ब्रह्म को प्राण का प्राण आदि जानने वाले ही उसे जानते ही उस आत्मभूत चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाशित होता हुआ ही प्राण प्राण क्रिया करता है, इसलिए वह प्राण का भी प्राण है। जो प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र तथा मन का मन जानते हैं, वे उस प्रातन और अग्र ब्रह्म को जानते हैं। उसे जो प्राण का प्राण तथा चक्षु का भी चक्षु एवं श्रोत्र का भी श्रोत्र जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित चक्षु आदि में ही दर्शन आदि का सामर्थ्य है। चैतन्य आत्म ज्योति से शून्य होने पर तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है तथा वह मन का भी मन है। इस प्रकार जो जानते हैं अर्थात चक्षु आदि के व्यापार से जिसके अस्तित्व का अनुमान होता है, उस प्रतिज्ञात्मा को जो वे इंद्रियों का विषयभूत नहीं है इस प्रकार जानते हैं, उन्होंने पुराण पुरातन और अग्रे आगे रहने वाले ब्रह्म को निश्चय ही जाना है। वह जिसे आत्मवेत्ता जानते हैं ऐसा अथर्वण श्रुति में भी कहा है।